मैं सेल में नहीं करता हूँ। मेरा बड़ा बेटा है अरसलान, उसको मैं सुबह के टाइम फ्रेश वगैरह करके तो फिर मैं जाता हूँ दुकान पे। जब मैंने रात को दुकान से वापस आना ना 1-2 बजे 12 बजे या 9 बजे, फिर आके मैंने इसको वॉशरूम करवाना है। जो अरसलान है ना तो वो तो बिल्कुल ठीक था, 6-7 साल की उम्र में उसके पट्टे कमजोर हो गए। दानिश है तो ये पैदाइशी ऐसा है मसला इनको। हमारी इतनी मदद हो जाए कि हम नीचे चलने का काबिल हो, बाकी ये तो अल्लाह के काम होते हैं। ये तो हमें तो नहीं ना बता सके ऐसे हो जाए। कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता कि हमारे बच्चे ऐसे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आतिफ मलिक। नाज़रीन, औलाद वालदैन के लिए एक नेमत होती है, उनके लिए एक कीमती असासा होती है, लेकिन अगर वही औलाद किसी मुश्किल में या किसी बीमारी में मुबतला हो तो वालदैन की ज़िंदगी इम्तहान बन जाती है। मेरे दोनों तरफ में आप देख सकते हैं दानिश और अरसलान जो कि पठों के आर्जे में मुबतला है। इस सिलसिले में हम उनके वालिद साहब वसीम भट्टी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किन वजूहात की बिना पर वो आज इनका इलाज कराने से कासिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भट्टी साहब, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आप काम क्या करते हैं। मैं सेल में नहीं करता हूँ, शालम मार्केट में। तो तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये मेरी सैलरी है वहाँ पे। तो तकरीबन रात को मैं 1-2 बजे भी आता हूँ, ठीक है। तो बच्चा जो मेरा बड़ा बेटा है अरसलान, तो उसको मैं सुबह के टाइम फ्रेश वगैरह करके वॉशरूम वगैरह करके मुँह हाथ धो के तो फिर मैं जाता हूँ दुकान पे। तो जब मैंने रात को दुकान से वापस आना ना 1-2 बजे 12 बजे या 9 बजे, फिर आके मैंने इसको वॉशरूम करवाना है, फ्रेश करना है, तो फिर ये इसको मैं लटा दो। तो कपड़े वगैरह भी मैं खुद ही चेंज करता हूँ इसकी। दानिश की उम्र कितनी है इस टाइम? दानिश की उम्र तकरीबन 13 साल है। अरसलान की? उसकी 18 साल से ऊपर है। तो ये आप बताएं कि क्या ये पैदाइशी तौर पर इस्तेमाल है? जो अरसलान है ना तो वो तो बिल्कुल ठीक था, तो लेकिन 6-7 साल की उम्र में उसके पट्टे कमज़ोर हो गए। वो स्कूल वगैरह भी जाता था तो पट्टे कमज़ोर हो गए। तो और जो दानिश है तो ये पैदाइशी ऐसा है मसला इनको छोटे। दानिश पैदाइशी तौर पर है और अरसलान की यानी कि बाद में हुआ है? बाद में हुआ जी। आप इलाज वगैरह क्यों नहीं करवा पाए, किन वजूहात की बिना पर? इलाज इतने वसाइल नहीं है, तो किराए के घर पे हम रहते हैं, तकरीबन 12 हज़ार रुपये हमारा रेंट है। तो फिर आपको पता है कि बिजली वगैरह, गैस, हर चीज़, खाना पीना, तो बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, जिसकी वजह से मैं इलाज नहीं करवा सकता इनका। क्या किसी साहबे सदा बंदे ने, किसी शख्स ने आपसे रब्ता वगैरह किया कि इन बच्चों का इलाज वगैरह? नहीं, मेरे से किसी ने रब्ता नहीं किया जी। मज़ीद हम इनकी वालदा से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बहन, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि औलाद जो होती है वालदैन के लिए एक नेमत भी होती है, उनके बाजू भी बनते हैं औलाद, लेकिन आपके दोनों बच्चे डिसेबल हैं, तो क्या कहेंगे? बे बस यही है कि हमारी इतनी मदद हो जाए कि हमारे बच्चे चलने के काबिल हो जाए, पढ़ने लिखने के काबिल हो जाए, बाकी ये तो अल्लाह के काम होते हैं। ये तो हमें तो नहीं ना बता सके ऐसे हो जाए। ये बेटा हमारा बिल्कुल ठीक था, चलता फिरता था, हंसता बोलता था, बच्चों के साथ खेलता था, तो लेकिन अब इसने ऐसा हुआ कुछ कि इसने चलना फिरना छोड़ दिया, और हमारी मदद भी करने वाला कोई नहीं, कोई हमारी मदद करता ही नहीं। किसी ने आज तक रब्ता नहीं किया या किसी रिश्तेदार ने, किसी ने भी बोला? किसी ने भी नहीं बोला। वक्त होता है कि अपनों में गैर और गैरों में अपनों ना छोड़ दिया, कोई हमारे घर नहीं आता, कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता, हमारे बच्चे ऐसे हैं। सारी बात है, वालदा एक माँ इस चीज़ को महसूस कर सकती है कि किस तरह एक दो बच्चे उसके दोनों डिसेबल हैं, चलने फिरने से कासर हैं, पर सभी कमज़ोरी की वजह से बाहर जब आप बच्चों को खेलता हुआ देखती हैं तो सारी बात है। फिर मेरी भी औलाद चलती फिरती, काश काश मेरे बच्चे भी ठीक होते, तो ये भी दूसरे बच्चों की तरह हंसते बोलते खेलते, बाहर जाते स्कूल जाते, बस ये घर में बस बैठे हुए हैं, कोई भी पूछने वाला नहीं है। मैंने बताया है कि बस हमें अल्लाह का ही आसरा है, अल्लाह की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम अपने बच्चों को, अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है, हमने बच्चों को संभाल। मैंने बताया है कि वो सुबह यानी कि वॉशरूम वगैरह सारा कुछ करवा के जाते हैं, जिस जगह पर बैठा कर वो जाते हैं उसी जगह पर शाम को 8 या 10 घंटे काम करने के बाद वापस आते हैं, बच्चा अरसलान उधर ही बैठा रहता है। तो जारी बात है, एक तकलीफ़ भी होती होगी कि मेरा बेटा यानी कि चल फिर नहीं सकता, बिल्कुल
पहले मैं इसको ना उठा लेती थी, मैं इसको वॉशरूम भी करवा लेती थी, संभाल लेती थी, फिर मैं खुद बीमार रहना शुरू हो गई। कभी मुझे यानी कि टांगों का मसला हो गया, काफ़ी मेरी तबीयत ना ख़राब रही। तो कभी कोई मसला हो जाता, कभी गले का मसला हो गया मुझे, टॉन्सिल्स का मसला हो गया। ऐसा कोई एमरजेंसी बन जाए या बच्चा कहता मैं वॉशरूम जाना है या कोई इस तरह का कोई काम हो जाए तो फिर क्या करती हैं? क्योंकि हस्बैंड भी आपके घर नहीं होते तो किसको बुलाती हैं फिर? कोई भी नहीं है, खुद ही करना पड़ता है। कोई भी रिश्तेदार यानी ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारी मदद कर सके। आस्ता आस्ता सब ने हमारे घर आना छोड़ दिया, सब ने मिलना छोड़ दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। अपने वक्त से क्या मुतालबा करेंगी अगर ये वीडियो हमारे चैनल के तवसल से उन तक पहुँच दिया था? मैं यही कहूँगी कि उनसे यही अपील करूँगी कि खुदारा मेरी मदद करें, मेरे मियाँ की मदद करें, मेरे बच्चों को सही कर दें, इनको ये अपने पैरों पर खड़े हो जाए, इससे बढ़ के मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस इतनी ही अपील करूँगी कि मेरे बच्चे को ठीक करवा दें, इलाज करवा दें। आज आ रहा था आपकी तरफ से ही कि इस तरह यानी कि कुछ डॉक्टर की गफलत की वजह से भी हुआ है, जो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है उस पर एक खाना होता है जहाँ पर लिखा होता है बच्चा नॉर्मल है या डिसेबल है, इस तरह की भी कोई बात नहीं लिखी हुई थी तो उन्होंने यही बोला कि बच्चे को आप ले जाए, क्या मामला था? बच्चे की ना यानी कि मुँह में ठीक नहीं है, ठीक है, फिर बाद में ना इन्होंने उसको नर्सरी में रख लिया। कौन सा था? गंगाराम हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल के यानी कि ये हालात हैं। उन्होंने ना इसको यानी कि डिलीवरी के टाइम ना इसका वो इन्होंने टांग की हड्डी भी तोड़ दी। मैं यही कहूँगा कि अगर ये बच्चे की अगर कमर देखी जाए तो ये तो एक मुकम्मल तौर पर टेढ़ी है, तो उन्होंने फिर कैसे आपको कह दिया और आप मानकर आ गए तो उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया या उनके पास कोई आप गए नहीं वापस? हॉस्पिटल में हम गए हैं इसको लेके, इसकी ये कमर दिखाई है, उन्होंने कहा कि बस ये हो जाएगा ठीक, आस्ता आस्ता टाइम लगेगा, ट्रीटमेंट करवाते हैं। वो 13 साल हो गया अब तक। जब भी हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी इसको लेके गए हैं ना, गंगाराम भी लेके गए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बस आपकी गफलत की वजह से कि आपने इलाज नहीं करवाया, किसी ने इतनी मदद नहीं की, चलो ये अपने बच्चों की नहीं करवा सकते इलाज तो हम मदद कर दें। कोई मैसेज देना चाहिए? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि खुदा के लिए मेरे बच्चों को ना, मेरे बच्चों के लिए कुछ करें, मेरे बच्चों की मदद करें। कि अगर कोई साबे इस्तदा ये वीडियो मेरी देख रहा है तो हमारे चैनल के तवसल से इनसे रابطہ कर सकता है, हमारे साथ रابطہ कर सकता है। इसी के साथ अपने होस्ट आति मलिक को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नई स्टोरी में एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।